हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल देवभूमि करियर पॉइंट। तो फ्रेंड्स देखिए, यूके एमसीक्यूज वाली जो सीरीज चल रही थी हमारी, उसका ये पार्ट 30 आज अपलोड हो रहा है चैनल पे। फ्रेंड्स देखिए, 30 पार्ट मैं दे चुका हूँ यूके एमसीक्यूज का, ठीक है, और सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, अमूमन जो एमसीक्यूज इसमें होते हैं फ्रेंड्स, वो मैं कोई नॉर्मल बुक से नहीं लाता, ठीक है, मैं वो पहले डिस्क्रिप्टिव अध्ययन खुद एनालिसिस करता हूँ, उसके बाद मैं एमसीक्यूज प्रिपेयर करता हूँ। बाकी आपको एमसीक्यूज तो परीक्षा वाले में मिल जाएंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ यूनिक एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, 30 भाग आ चुके हैं, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी एग्जाम कैलेंडर तो आ ही गया है कुछ पोस्टों के लिए, तो हो सकता है एग्जाम हो जाए अगले महीने, तो उसको देखते हुए आप सभी जितने भी एमसीक्यूज वाले पार्ट है फ्रेंड्स, उनको देख लीजिए, क्योंकि कुछ उसमें यूनिक एमसीक्यूज आपको मिलेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूके SSSC और यूके PCS के लिए, ठीक है। और उसके साथ साथ देखिए फ्रेंड्स, जो डिस्क्रिप्टिव सेशंस भी दिए गए हैं उत्तराखंड वाले, आप उनको भी प्लीज़ वॉच कीजिए एक बार, ठीक है। और आज का जो टॉपिक होने वाला है फ्रेंड्स, इसमें मैंने उत्तराखंड की भाषा तथा साहित्य से रिलेटेड एमसीक्यूज दिए हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। एमसीक्यूज थोड़े कम है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट वो एमसीक्यूज हो सकते हैं आपके लिए UK SSSC के एग्जाम के लिए, और खासकर मैं बोलना चाहूँगा UK PCS और Lower PCS के लिए तो महत्वपूर्ण हैं ही, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए। आजकल कला और संस्कृति के पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड एमसीक्यूज का पार्ट 30। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। देखिए, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ वीडियो शुरू होते टाइम कि आज के जो एमसीक्यूज होंगे ये भाषा तथा साहित्य से रिलेटेड होंगे, ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे फ्रेंड्स, तो वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिए और सभी फैक्ट्स को नोट डाउन कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन दिख रहा है आपको, कुमाऊं के उत्तर में कौन सी भाषा मुख्यतः बोली जाती है। तो फ्रेंड्स देखिए, कुमाऊं का जो उत्तरी क्षेत्र है उसको जोहार क्षेत्र बोला जाता है, ठीक है, और जोहार क्षेत्र में रंग बोली और भोटिया बोली, सौका बोली मुख्यतः बोली जाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा तादाद देखी जाए तो किसकी है, भोटिया लोगों की है, तो इसलिए भोटिया बोली मोस्टली वहाँ के फ्लेवर में आती है, ठीक है। तो कुमाऊं का जो उत्तरी पार्ट है वहाँ पे बोली जाती है भोटिया बोली, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए, कुमाऊं बोली भाषा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब क्वेश्चन है कि कुमाऊं बोली भाषा में भाषा वैज्ञानिक जो अध्ययन था, कुमाऊं के किस विद्वान ने इसको प्रतिपादित किया था, ठीक है। तो इसको प्रतिपादित करने वाले व्यक्ति थे गंगादत्त उप्रेती, ठीक है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, मेघदूतम का गढ़वाली भाषा में अनुवाद किसने किया था। तो फ्रेंड्स, मेघदूतम जो कि महान कवि कालिदास द्वारा रचित था फ्रेंड्स, इसका गढ़वाली में ट्रांसलेशन किया था फ्रेंड्स आचार्य धर्मानंद जमलोकी, ठीक है, ध्यान रखेंगे आचार्य धर्मानंद जमलोकी, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी है फ्रेंड्स, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, गढ़वाली साहित्य हेतु जयश्री सम्मान किसने शुरू किया था। तो फ्रेंड्स, जयश्री सम्मान, देखिए, मैंने अभी हाल में एक वीडियो दिया था उत्तराखंड के प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता, वहाँ पे मैंने इनका विस्तार से वर्णन किया था, बुद्धि बल्लभ थपलियाल का। इन्होंने कुमाऊं गढ़वाल के साहित्यकारों को एक मंच प्रदान करने के लिए और उनको प्रोत्साहित करने के लिए जयश्री फाउंडेशन की शुरुआत की थी, ठीक है, और इन्होंने जयश्री सम्मान को भी शुरू किया था, ठीक है, आप देख लीजिएगा एक बार वो वीडियो। नेक्स्ट देखिए, हिल डायलैक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन किसकी कृति है। तो ये लिखी है फ्रेंड्स गंगादत्त उप्रेती जी ने, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किसे कुमाऊनी भाषा का आदि कवि माना जाता है। तो कुमाऊनी भाषा का आदि कवि कहा जाता है लोकरत्न पंत को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गढ़वाल के किस क्षेत्र में सलांगी भाषा बोली जाती है। तो सलांगी भाषा बोली जाती है तल्ला मल्ला और गंगा सलांग में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बहुचर्चित लोकगाथा मालूशाही का संबंध किससे था। तो मालूशाही एक क्या थी, प्रेम गाथा थी, ठीक है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और कल्चर के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है हमारे उत्तराखंड के, और काफ़ी अच्छी भी ये बुक है अगर आप पढ़ेंगे तो, ठीक है, मालूशाही। नेक्स्ट देखिए, जॉर्ज गियर्सन ने गढ़वाली उपबोलियों के कितने भेद बताए हैं। तो गढ़वाली उपबोलियों के टोटल 8 भेद बताए हैं जॉर्ज गियर्सन ने, श्रीनगरी, बधाणी, दसौलिया, माच कुमाइया, नागपुरिया, सलाणी, राठी और टिहरियाली, ठीक है। अगला देखिए, कुमाऊं लिखित साहित्य की शुरुआत कब से हुई थी। तो लिखित साहित्य की शुरुआत मानी जाती है सन 1800 ईस्वी के बाद, ठीक है। अगला देखिए, गोपाल दत्त भट्ट द्वारा रचित प्रसिद्ध काव्य संग्रह कौन सा है। तो ये है फ्रेंड्स अग्निनाखर, ठीक है, ध्यान रखेंगे अग्निनाखर गोपाल दत्त भट्ट। अगला है देखिए, गढ़वाली नारी एक लोक गीतात्मक पहचान किसकी प्रसिद्ध रचना है। तो ये लिखी है डॉक्टर कुसुम नौटियाल ने। अगला क्वेश्चन है, तारादत्त गैरोला की सुप्रसिद्ध रचना का नाम क्या है। तो तारादत्त गैरोला आपने कभी बार एग्जाम में पूछ भी लेता है कि तारादत्त गैरोला का संबंध किससे है, ठीक है, एक एग्जाम में पूछा गया था, आई थिंक सीचपाल में क्वेश्चन आया था। तो इनका संबंध फ्रेंड, सॉरी, इनकी रचना का नाम है सहदेई, ठीक है, ध्यान रखेंगे सहदेई नामक रचना की है तारादत्त गैरोला ने। अगला देखिए, विद्वानों द्वारा मध्य पहाड़ी में कौन कौन सी भाषा बताई गई है। तो मध्य पहाड़ी में केवल 2 भाषाएं बोली जाती हैं, जो कि कुमाऊनी और गढ़वाली हैं, ठीक है। अगला देखिए, बुरूस नामक कुमाऊनी कविता के रचनाकार कौन थे। तो बुरूस नामक कविता लिखी थी महाकवि सुमित्रानंदन पंत ने, ठीक है।
इनके बचपन का नाम प्लीज कमेंट करके बताइए आप, सुमित्रा नंदन पंत का बचपन का नाम क्या था। अगला देखिए, अबोध बंधु बहुगुणा द्वारा रचित गढ़वाली भाषा का महाकाव्य किसे माना जाता है? तो गढ़वाली भाषा का महाकाव्य फ्रेंड्स, इस फैक्ट को पकड़िए, ये बोला जाता है भूम्याल को, ठीक है, और ये किसने लिखा? अबोध बंधु बहुगुणा ने, ठीक है। अगला देखिए, गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा के लेखक का नाम क्या है? तो गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा लिखी थी अबोध बंधु बहुगुणा ने, जिन्होंने भूम्याल ये महाकाव्य भी लिखा है, ठीक है। अगला देखिए, काली कुमाऊं क्षेत्र में कौन सी भाषा मुख्यतः बोली जाती है? तो काली कुमाऊं क्षेत्र फ्रेंड्स, ये वही क्षेत्र है जहाँ पे कुमाऊं के पहला जो क्रांतिकारी था कालू मेहरा, उसने संगठन बनाया था, ठीक है। काली कुमाऊं क्षेत्र चंपावत के आसपास का एरिया, यहाँ पे बोली जाती है कुमैया बोली, ठीक है। अगला देखिए, कुमाऊं कवि जो जिज्ञासु के नाम से जाने जाते थे कौन थे? तो जिज्ञासु नाम बोला जाता था वंशीधर पाठक को, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उन्होंने निराला लगाया था अपने आगे, वैसे वंशीधर पाठक ने अपने नाम के आगे जोड़ा था जिज्ञासु, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ टॉप MCQs जो कि भाषा और साहित्य से रिलेटेड थे। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करिए, लाइक करना शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं, अच्छे से मेहनत करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।